नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड के इस एपिसोड में हम इस समय फिर से पहुंच चुके हैं पटपड़गंज वार्ड 12E में सुनीता भास्कर जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आइए समझते हैं कि जो चुनाव अभी बीते हैं, यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब, उसमें जो आपका जो परफॉर्मेंस था उसको कैसे देखते हैं। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार जी। सुनीता जी, अभी जो चुनाव हुए थे जी, कैसे आंक रहे हैं उसको? अगर आपको कहा जाए कि समीक्षा की जाए तो आप कैसे समीक्षा करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को पंजाब में प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको बधाई देती हूँ। और जिस तरह से वहाँ पर प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते हैं, उसी तरह से हम आगे भी हर राज्य पर इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी हर राज्य में आएगी। गोवा में कहने के लिए दो सीट है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो सीट नहीं, वहाँ विक्ट्री है हमारी, क्योंकि हमने अभी वहाँ बीज बोया है, अभी पेड़ बनना बाकी है। नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होंगे उसमें इसी तरह से प्रचंड बहुमत से गोवा में भी सरकार बनेगी और कई राज्यों में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की जी। पंजाब को लेके, जो पंजाब में 92 सीट्स निकाले हैं आपने, क्या स्ट्रेटजी रही, किस आप उसको कहेंगे कि आपकी जो जीत रही वो किस बावस्ते रही, इसके मायने क्या थे, इसके मायने कैसे हम निकाले? देखिए, वहाँ जीत इसी बेस पर रही क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं, स्ट्रेटजीज हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना और अच्छे हर वर्ग में उन्होंने काम किया है। तो यहाँ दिल्ली मॉडल जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया है कि हाँ, ये एक जिस तरह से काम किए हैं हर शिक्षा के और हर क्षेत्र में, उसी तरह से उसी को लेकर लोगों ने भरोसा किया है। पंजाब की लोगों ने केजरीवाल जी पर भरोसा किया है और उनको ये यकीन है कि पंजाब में भी उसी तरह से ही विकास होगा जिस तरह से दिल्ली में विकास किया है। आम जनता वहाँ की जानती है, देखती है कि एक ईमानदार सीएम साहब ने जैसे भी यहाँ पर काम किया है, हमें वहाँ पर भी ऐसे ही आम आदमी पार्टी का एक सीएम वहाँ मिलेगा, जो कि हमें इसी तरह से दिल्ली के तरह से ही हमें पंजाब को भी एक मॉडल पंजाब बनाकर देगा। क्या हम माने कि जैसे दिल्ली में आपने कांग्रेस को साफ किया, पंजाब में आपने कांग्रेस को साफ किया, तो क्या आप कांग्रेस की सफाई के पीछे पड़े हुए हैं? जी, एक भाजपा, कांग्रेस और अब है आम आदमी पार्टी, तो लोगों को कोई विकल्प नहीं है आम आदमी पार्टी के अलावा। जहाँ कांग्रेस को इसीलिए लोगों ने नहीं चुना क्योंकि आम आदमी पार्टी आज उनके पास विकल्प है। कांग्रेस ने काम नहीं किए, भाजपा अब इसी तरह से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है, इसीलिए एक ईमानदार सरकार, ईमानदार सीएम इसीलिए उन्होंने चुना है कि हाँ, हर जगह जनता चाहती है कि ईमानदार केजरीवाल जी ही आए जी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुनीता भास्कर जी, जिन्होंने प्रमुख मुद्दों के साथ ये यहाँ के कार्यकर्ताओं की भी बधाई दी और साथ में बताया कि कैसे कांग्रेस जो है अपना धीरे धीरे जमीन खोती जा रही है और आम आदमी पार्टी उसको कवर अप करती जा रही है। इन्होंने साथ में पंजाब की बधाई तो दी और ये भी बताया कि गोवा में दो सीटें जो है वो आज बीच का काम करेंगी और अगली बार इलेक्शन होते हैं तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं जनमीडिया टीवी से विकास मिश्रा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।